हाई एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो है 20 रैंडम फैक्ट्स अबाउट मी, एंड इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग। सो फर्स्ट फैक्ट अबाउट मी इज माई नेम इज़ प्रिडेला गोयल, एंड कई लोग बिल्कुल गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, ऑब्वियसली काफ़ी यूनिक नेम है इसलिए। सो इट्स प्रिडेला गोयल एंड मेरे नेम का मतलब है तराशी हुई मूर्ति। सो सेकेंड फैक्ट अबाउट मी इज़ आई हैव डन ग्रेजुएशन इन BSc फैशन डिज़ाइनिंग फ्रॉम चंडीगढ़, क्योंकि मैं चंडीगढ़ की ही हूँ। थर्ड फैक्ट अबाउट मी इज़ मैं अपने मॉम डैड के साथ रहती हूँ। फोर्थ फैक्ट अबाउट मी, मेरी एक बड़ी बहन है एंड शी इज़ मैरिड एंड ऑल्सो शी इज़ अ डाइटिशियन। Fifth fact is I prefer movies over series because series क्या है वो बहुत लंबी चलती रहती हैं और काफ़ी boring हो जाता है। तो movies like ये होता है 2 to 3 hours में ख़त्म हो जाती है, तो I prefer movies। Sixth fact is I love singing and dancing और मैं बहुत shy हूँ, मैं किसी के सामने बिल्कुल नहीं करती। अगर मैं घर में अकेली होंगी तो मैं यही करती हुई पाई जाऊंगी। सेवेंथ फैक्ट इज़ आई लव डॉग्स ओवर कैट्स। मुझे कैट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, आई एम मोर ऑफ अ डॉग पर्सन। एट फैक्ट मेरे सेवेंथ फैक्ट से मिलता है, आई एम अ वेजिटेरियन एंड मैं नॉन वेजिटेरियन इसलिए नहीं हूँ बिकॉज मुझे एनिमल से बहुत प्यार है और नहीं खा सकती। तो जो नाइन्थ फैक्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, लाइक व्हाट आई डू। मैंने डिजिटल मार्केटिंग की हुई है, तो मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं उसके, तो मैं वो हैंडल करती हूँ। एंड मेरी मदर के साथ मेरा एक ब्रांड है विच इज़ मदर ऑयल, हर्बल हेयर ऑयल। और मेरे मम्मी पापा जो हैं वो पैकेजिंग और ऑयल का बनाना वो सब कुछ वो देखते हैं, एंड मैंने क्लाइंट्स देखने होते हैं, मैंने वीडियोस बनानी होती है, पोस्ट वो सब कुछ मैंने करना होता है। एंड ऑल्सो मेरी सिस्टर डाइटिशियन है, तो उसका एक पेज है, तो उसमें जितनी भी पोस्ट वगैरह है वो सब कुछ मैं डिज़ाइन करती हूँ। और मोस्टली क्या होता है, रेसिपीज़ भी मैं उसके साथ बनाती हूँ, मतलब वीडियो मैं बनाती हूँ उसके साथ टू हेल्प हर। और मेरा खुद का अपना पेज भी है, तो मैं वो कोलैब्स वगैरह सब कुछ अपने आप हैंडल करती हूँ। टेंथ फैक्ट है, मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, जिसकी वजह से मेरे घर वाले मुझसे काफ़ी दुखी हैं। मतलब मैं डाइट लाइक प्रॉपरली नहीं कर पाती बिकॉज़ आई एम अ बिग टाइम फूडी, और मेरे लिए डाइट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी। तो मेरी सिस्टर मेरे अकॉर्डिंगली डाइट बनाती है कुछ इंटरेस्टिंग सी, तो ताकि मैं डाइट को कंटिन्यू रखूँ। 11th फैक्ट है, आई एम मोर ऑफ अ स्पाइसी फूड पर्सन। मुझे स्वीट चीज़ें बिल्कुल इतनी पसंद नहीं हैं, मुझे अगर स्पाइसी फूड दोगे आई विल बी वेरी हैप्पी। 12th फैक्ट है, मेरी काफ़ी वीक है आई साइड, तो मुझे स्पेक्स लगी हुई है, और वीडियोस में ज़्यादातर स्पेक्स पहनती नहीं हूँ, इसलिए काफ़ी लोगों को ये बात पता नहीं होगी दैट मुझे स्पेक्स लगी हुई है। 13th फैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे एक लाइक बहुत अजीब आदत है कि चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो या कोई भी सीज़न हो, मैं विदाउट लाइक ब्लैंकेट नहीं सो सकती। चाहे मतलब मुझे पतला सा कोई ब्लैंकेट दे दो, बट मैं बिना किसी ब्लैंकेट के बिल्कुल नहीं सो सकती। द 14th फैक्ट इज़ आई लव साउथ इंडियन फूड, मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो भी मेरे क्लोज वंस हैं उन सबको पता है कि मुझे लाइक मोस्टली संडेज़ को साउथ इंडियन फूड चाहिए होता है। एंड स्पेशली मेरे बर्थडे पे मेरी मम्मा मेरे लिए डोसा बनाती है, क्योंकि वैसे वो एक रिचुअल भी बन चुका है, मुझे साउथ इंडियन फूड इतना ज़्यादा पसंद है। सो द 15th फैक्ट इज़ आई एम स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड्स। मतलब मुझे समर्स इसीलिए पसंद नहीं है बिकॉज उस टाइम पे लिजर्ड्स आ जाती हैं, और अगर मेरे रूम में लिजर्ड होगी ना मैं कभी वहाँ पे नहीं सोऊंगी, मतलब मैं इतना ज़्यादा उससे डरती हूँ। अगर कॉकरोच भी आ जाएगा ना मेरे सामने मैं तब भी नहीं डरूंगी, लेकिन अगर लिजर्ड्स होगी ना मैं उस रूम में सो ही नहीं सकती। सो 16th फैक्ट इज़
आई प्रेफर कॉफ़ी ओवर चाय. मुझे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मुझे एक्चुअली गर्म चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है. अगर मैं कॉफ़ी भी पीती हूँ तो मैं कोल्ड कॉफ़ी ही पीती हूँ. मेरी टंग बहुत सेंसिटिव हो गई है. लाइक अगर थोड़ा सा भी मैं कुछ गर्म लेती हूँ तो मेरी टंग जल जाती है. और मुझे ज़्यादातर कोल्ड चीज़ें ही पसंद है. मैं चाय सिर्फ तब पीती हूँ लाइक जब मैं बीमार होंगी. लाइक मुझे या तो कोल्ड होगा या कफ होगा तो उस टाइम पे मैं डेफिनेटली चाय पीऊँगी. अदरक वाली चाय ताकि मैं ठीक हो जाऊँ, वो भी ज़बरदस्ती. अदरवाइज मैं चाय बिल्कुल पसंद नहीं करती. So, 17th fact is I always wanted to have a YouTube channel. 18th fact काफ़ी special है. जो मेरी first earning थी उससे मैंने air fryer लिया था. And मैं घर में सबको like कुछ special gift करना चाहती थी जो long term तक चले. और इससे best gift I don't think so कुछ हो सकता है. और ये काफ़ी यूज़फुल गिफ्ट था. और लाइक उसमें अमेजिंग रेसिपीज़ बनती हैं. इनफैक्ट मेरी सिस्टर ने काफ़ी रेसिपीज़ भी बनाई हैं उस पर. और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मतलब सही डिसीजन लिया. मैंने एयर फ्रायर लिया, वो भी अपनी फर्स्ट सैलरी से. 19th फैक्ट इज़ मुझे जो इंस्पायर करती हैं दो लेडीज़, वो हैं कोमल पांडे एंड प्रियंका चोपड़ा. मतलब अगर मैं लाइफ में कभी भी लो फील करती हूँ तो मैं इनकी वीडियोस देखती हूँ एंड मुझे काफ़ी लाइक अच्छा फील होता है. मुझे इन दोनों से काफ़ी मोटिवेशन मिलती है बिकॉज दे बोथ हैव वेरी हार्ड वर्किंग. और इनकी जर्नी भी बहुत अच्छी रही है एंड मुझे काफ़ी इंस्पायर करते हैं इन दोनों. सो लास्ट 20th फैक्ट इज़ आई हेट सिनेमन. मुझे सिनेमन बिल्कुल पसंद नहीं है. ना मुझे उसका टेस्ट पसंद है, ना मुझे उसकी स्मेल पसंद है. आई डोंट नो क्यों, बट मुझे सिनेमन बिल्कुल भी पसंद नहीं है. अगर वो किसी चीज़ में होगा मैं वो चीज़ खाऊंगी ही नहीं. तो ये थे 20 रैंडम फैक्ट्स अबाउट मी. और अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को देखा. एंड काफ़ी लोग मेरे बारे में काफ़ी कुछ जान गए हैं. और आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो. And please like, comment and share. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching.